ये भाई लखनऊ सुपर जायंट की टीम आ चुकी है भाई प्रैक्टिस करने के लिए। भैया अभी जैसे मैं पहुंचा हूं वैसे यहां से ये आ चुकी है, यहां पर टीम के राहुल कंपनी आ चुकी है। ये भाई टीम आ गई है पंजाब किंग्स की टीम, यहां पर ये आ गई है लखनऊ सुपर जायंट्स आई थी, पंजाब किंग्स की आ चुकी है ये। ये भाई जा रहे हैं भाई लोग अपने सारे टीम, ये पंजाब किंग्स की टीम जा रही है। दोस्तों ऑनलाइन टिकट लेने का कोई मतलब नहीं, अगर आप बुक माई शो से टिकट बुक करने के बाद यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं तो वैसे भी आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा, तो क्या मतलब है, एक्स्ट्रा आपको जीएसटी अलग से देना है तो डायरेक्ट आके आप यहाँ पर टिकट ले लीजिए। अभी मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कराया था तो यहाँ पर आने के यहाँ पर लेना पड़ रहा है इस तरह से यहाँ पर लाइन लगाकर, अगर और उसके बाद जो ऑनलाइन बुक करते हो तो जीएसटी अलग से और बुक चार्ज अलग से ले लेते हैं, तो क्या मतलब है फर्जी ऑनलाइन बुक करने का, डायरेक्ट आके यहीं पर ही। जिसको भी टिकट लेना हो जो ऑनलाइन बुकिंग किए हैं ये आके यहाँ पर प्लासी माल है, ये सामने ही आना है, इसके जस्ट सामने प्लासी माल है, गेट नंबर 3 पर यहीं पर टिकट बैठ रहा है। जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं वो आके डायरेक्ट ले लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन बुक करके आते हैं तो वही आपका एक्स्ट्रा चार्ज जीएसटी पड़ता है, बाकी तो आप यहाँ से अगर ऑनलाइन बुकिंग कर लेंगे तो ये है कि अपने मनपसंद की सीट मिल जाएगी, बाकी यहाँ आके आप टिकट बुक कराएंगे तो फिर अपनी मर्जी से, यही फायदा हो जाता है ऑनलाइन बुक करने का। दोस्तों अब यहाँ पर बाहर मैंने घूम टहल लिया है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि प्लेयर यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ लड़के तो पंजाब से भी आ गए, जैसे पंजाब किंग्स का मैच है तो वहाँ पर से भी लड़के यहाँ पर घूमने के लिए लखनऊ आ गए हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। आऊँगा देखना यहाँ पर मैच कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन जिस तरह अभी 8 मैच हुए हैं आईपीएल में, ये देखा जा रहा है जितनी भी टीमों के होम ग्राउंड मैच हुआ वही जीता है, चाहे पहला चेन्नई का ले लिया, दूसरा आए कोलकाता का ले लिया, दिल्ली कैपिटल का, पंजाब का ले लिया, पंजाब जीता था, उसके बाद कल भी जो हैदराबाद का मैच हुआ था हैदराबाद ही जीता था, जितने भी मैच हो रहे हैं जिसके होम ग्राउंड में अभी हो रहे हैं मोस्टली वही टीमें जीत रहे हैं। देखना है कल लखनऊ का होम ग्राउंड है तो क्या कल लखनऊ पंजाब किंग्स यहाँ पर जीत पाती है कि नहीं जीत पाती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन बोला जा रहा है कि इस बार यहाँ पर इस पिच को बैटिंग पिच बनाया गया है, जिस तरह से पिछले साल यहाँ पर बॉलिंग पिच थी, रन थोड़ा कम बनते थे, दर्शकों को थोड़ा कम इंटरेस्ट लगता था, लेकिन इस बार बता रहे हैं कि बैटिंग पिच बनाया गया है, तो देखना यहाँ पर 200+ स्कोर जाता है कि नहीं जाता है। वैसे जिस तरह से कल SRH और MI का मैच हुआ था, SRH ने 270 रन बनाया था, MI ने 246 रन बनाया था, इस तरह की बैटिंग पिच हो, उतना ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच ना हो तब भी 200 के आसपास यहाँ पर स्कोर बने तो दर्शकों को काफी ज्यादा मजा इंटरेस्ट आया। ये तो इकाना स्टेडियम है, ये तो बॉलिंग पिच अभी तक थी, आप बोल रहे हैं कि इसको बैटिंग पिच बना दिया गया है, कल मैच होने के बाद ही पता लगेगा बॉलिंग पिच है बैटिंग पिच है। अगर KL राहुल इस IPL 2024 का पहला शतक मार देते हैं तो 200+ लखनऊ सुपर जायंट्स पहुंच सकती है, नहीं तो 160-170 रन के आसपास अगर मैच रहता है तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था, और दर्शक लोग दूर दूर से यहाँ पर मैच देखने के लिए आते हैं, अगर हाई स्कोरिंग मैच ना हो तो उनको फिर मजा भी नहीं आती है। अभी मैं जा रहा हूँ इस तरह से यहाँ पर, अभी लखनऊ सुपर जायंट की टीम यहाँ पर अंदर, तो यहाँ पर मैच होने वाला, तो अभी मैं यहाँ पर भाई LSG की तरफ से सपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ। दोस्तों अभी मुझे ग्राउंड के पास है भाई लोग मिले हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा फैज आलम नाम है, मैं ऑब्वियसली गोरखपुर और कुशीनगर से रहने वाला हूँ। आपका क्या नाम है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? हम लोग यहाँ की, हम लोग की जॉब है टिकट चेकिंग में, हम लोग सुपरवाइजर के पोस्ट पे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इस बार मेरे को लग रहा है जैसे दर्शक आपको देखने को मिल रहे होंगे, अभी आप यहाँ पे आए हैं, इस बार का जो मैच होने वाला है यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस आने वाली है। अच्छा बताइए, जैसे इसको बोलते हैं आना बॉलिंग पिच है तो 150-160 रन बनता है, इस बार के आप यहाँ पर टिकट चेक करने के लिए बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर सुपरवाइजर, मुझे पोस्ट दी गई, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लगातार आप यहाँ पर कई दिन से आ जा रहे हैं, तो बताइए प्रैक्टिस यहाँ पर हो रहा है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं, कितना यहाँ पर स्कोर जा सकता है? एवरेज स्कोर आपको बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपेक्ट हो मैं बता रहा हूँ आपको, 160 अबव ये और मिनिमम, जैसे एक बार इस पे मैच हुई थी इंडिया से और एक और कहीं से मैच था जिसमें 91 और 98 रन बने थे, 99 रन मार के इंडिया जीती थी, जिसमें 19 ओवर के मैच में एक भी बाउंड्री नहीं देखने को मिली थी, लेकिन इस बार की पिच फ्लैट पिच बनाई जाएगी और बैटिंग पिच बनाई जाएगी कि बन गई है और आज के मैच में जो लखनऊ के कोचेस थे वो आके पूरा पिच का मुआयना कर रहे थे, पिच काफी अच्छी बनी हुई है, और जितने भी दर्शक हैं इस बार आप यहाँ आइए लखनऊ इकाना स्टेडियम में, टिकट और मैच का फुल एंजॉय कीजिए। टिकट का भी रेट सस्ता है, उसके वजह से पब्लिक ज्यादा है, टिकट इस बार सस्ता कर दिए हैं, और यहाँ पर देखो बॉलिंग पिच है इसलिए थोड़ा दर्शक कम आते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि बैटिंग पिच है, पहला मैच जो कि यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग के बीच में होने जा रहा है 30 तारीख को, देखना है यहाँ पर बैटिंग पिच है बॉलिंग पिच, पहला मैच देखने के बाद ही अनुमान लग जाएगा, दूसरा मैच उसके बाद 7 तारीख को 7 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के साथ यहाँ पर मैच होगा, तो पहले ही मैच से पता चल जाएगा, अगर यहाँ पर KL राहुल अच्छा मार देते हैं उन्हीं पर मुझे उम्मीदें हैं, अगर वो टूर्नामेंट का यहाँ पर KL राहुल से पूरे लखनऊ और पूरे यूपी के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार KL राहुल इस बार LSG को फाइनल तक की सफर पहुंचाए, और काफी बढ़िया मजबूत टीम भी है, पिछले मैच में जो लखनऊ हारी थी वो थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप में थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी, और टॉप ऑर्डर जो थी वो चल नहीं पाई थी, और पावर प्ले में जो 4 विकेट गिर गए थे LSG के, वहां से LSG की टीम लड़खड़ा गई थी। अच्छा, और बाकी LSG की टीम बहुत मजबूत है, LSG की टीम मजबूत है भाई, लेकिन मैं LSG का मैं भी खुद सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे जिस तरह मैं देख रहा हूँ, जिस तरह मैं नजर बनाया हूँ अभी टूर्नामेंट पे IPL में 8 मैच हुए हैं अभी तक, ठीक है 9वां मैच यहाँ पर होने जा रहा है, और यहाँ पर 9वां नहीं 11वां मैच यहाँ पर होगा,
लेकिन मैं देख रहा हूँ जिसके होम ग्राउंड मैच है भाई जीत रहा है भाई, मैं देख रहा हूँ। उसके अलावा जो यहाँ पर मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, पहले फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग वर्सेस हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। दूसरी टीम कोई उड़ा सकती है, आरसीबी को मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उसकी बॉलिंग उतनी अच्छी है नहीं आरसीबी की। और हैदराबाद जिस तरह से यहाँ पर बैकअप किया, उसकी बॉलिंग देख सकते हैं आप, उसकी बैटिंग देख सकते हैं, और साथ में चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड है तो उसकी भाई मजबूती रहती है। जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान और उसके बाद दीपक चहर और श्रीलंका का बॉलर पथराना, और साथ में यहाँ पर साई किशोर और रविंद्र जडेजा, जिस तरह से यहाँ पर उनकी टीम सदी हुई भाई, बैटिंग सीएम दुबे जिस तरह से लंबे लंबे शॉट मारता है, साथ में यहाँ पर जो ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छे अच्छे मारते हैं शॉट, तो यहाँ पर देखना है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ग्राउंड देख के लग रहा है, और इसीलिए फाइनल मैच चेन्नई में कराया गया कि भाई धोनी की विदाई हो सके। बाकी मैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स चाहता हूँ कि यहाँ पर जीते। वैसे मैं आरसीबी का सपोर्टर हूँ, लेकिन बात आती है एलएसी की, आरसीबी का सपोर्टर हूँ, लेकिन आरसीबी वालों के लिए एक बुरी खबर है। क्या यहाँ पर मैच है? आरसीबी का मैच है नहीं, इसके लिए आप लोग ज्यादा ना खुश ना होइए, आप लोग घर से बैठ के आरसीबी एंजॉय कीजिए और आरसीबी को फुल सपोर्ट कीजिए। आरसीबी और लखनऊ का कुछ भी क्वालिफाई करे 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 आरसीबी क्वालिफाई करे। आरसीबी एलएसी का केवल एक मैच है, वो भी चिन्ना स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा, लखनऊ में आरसीबी का कोई मैच नहीं, इसलिए मुझे बहुत दुख लगा, मैं सोचता था। लेकिन फिलहाल मैं लखनऊ स्टेडियम में सारे मैच देखने वाला हूं, यहां पर सारे मैच जिसके भी हो लखनऊ को सपोर्ट करने के लिए आऊंगा। मैं यूपी का हूं, अब आप भी यूपी बिहार के होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है लखनऊ सुपर जायंट को आप सपोर्ट करें, आपकी राजधानी है, लोग यहां पर लगातार आ रहे हैं, भाई साहब जा रहे हैं अभी, अदब से आएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच भाई, आऊंगा आपसे मिलूंगा, बहुत अच्छा लगा। देखो भाई से लगा रहे हैं जुगाड़ सा टिकट के लिए, क्या करते हैं, वैसे मैंने टिकट तो ले लिया है भाई साहब, हर मैच में टिकट ले लिया।